फ्रेंड्स, धनोल्टी में हम आए हैं। आज 27 जनवरी है और काफी स्नो यहाँ हमारे को देखने को मिली है। 3-4 दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि धनोल्टी में काफ़ी भारी मात्रा में स्नोफॉल हुआ है और हम पहुँचे हैं आज 27 तारीख को, 27 जनवरी 2022 में हम पहुँचे हैं धनोल्टी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे अच्छी, बहुत ही भारी मात्रा में स्नोफॉल हमारे को देखने को मिली है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम धनोल्टी आए हैं और बाइक से आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ठंड बहुत है। आप कभी भी अगर आ रहे हैं तो इस बाइक से ना आए। फ्रेंड्स, हम निकल रहे हैं धनोल्टी के लिए और काफी एंजॉय हम करने वाले हैं। सब लोग देख सकते हैं आप हमारे साथ चल रहे हैं और बर्फ देखने का सबका मन है और काफी बर्फ पड़ी है धनोल्टी में। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अभी हमने अपनी गाड़ी में जो है अपना पेट्रोल डलवा लिया है और अब जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। रास्ते में भी जो भी व्यू पॉइंट पड़ेगा हम आपको दिखाएंगे और धनोल्टी पहुँच के वहाँ हम सारा बताने वाले हैं, आपको जानकारी भी देने वाले हैं। अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए फायदा रहेगा, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो सब लोग चल रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मजे करेंगे धनोल्टी पहुँच के और जो मजे करेंगे वो आप लोगों को, सभी को दिखाएंगे। हाँ, हमने यहाँ पर क्या क्या मजे किए हैं और आप लोग आते यहाँ पर किस तरह से घूम सकते हैं, बर्फ देख सकते हैं। तो बस बने रहे हमारे चैनल के साथ, आगे काफी मजे आने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और एक रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं धनोल्टी और मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों, बात करते हैं कि आप धनोल्टी किस प्रकार पहुंच सकते हैं। दोस्तों, धनोल्टी आप हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार से देहरादून होते हुए, मसूरी होते हुए आप धनोल्टी पहुंच सकते हैं और अगर आप ऋषिकेश होते हुए चंबा वाले रास्ते से धनोल्टी जाना चाहते हैं वहां से भी आप जा सकते हैं। दो रास्ते दोस्तों धनोल्टी जाने के हैं। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी हरिद्वार से धनोल्टी की पड़ती है। आप हरिद्वार या देहरादून से बस या टैक्सी से धनोल्टी पहुँच सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, नज़ारा खूबसूरत, काफ़ी अच्छी स्नोफॉल ये धनोल्टी में। अभी हम पहुंचे नहीं है धनोल्टी, लेकिन रास्ते में ही नज़ारा आप देख सकते हैं और आगे उम्मीद है कि अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन ठंड दोस्तों काफ़ी है इस समय यहाँ पे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम धनोल्टी पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं नज़ारा पीछे, स्नोफॉल किस प्रकार से यहाँ पे है। आप भी आ सकते हैं और स्नोफॉल का मजा ले सकते हैं। अभी धनोल्टी दोस्तों लगभग यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ हम नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि रास्ते में स्नो के कारण रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहीं हम इंजॉय करेंगे और आपको भी दिखा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर बर्फ़ देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं धनोल्टी और खूबसूरत यहाँ नज़ारों के मजे ले सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से लोग इंजॉय करते हैं। यहाँ आपको कैंप भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं बने हुए कैंप यहाँ पे। लेकिन दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत भयंकर ठंड है इस समय। तो अभी चलेंगे नीचे भी जाते हैं और आपको दिखाते हैं, ये एडवेंचर टूर के भी बने हुए यहाँ पे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी धनोल्टी में हम पहुँच चुके हैं और सबसे पहले सबने कहा है कि पहले हम कुछ नाश्ता करेंगे, खाएंगे। तो मैगी बनवा ली है पीहू ने और सब बैठे हैं और ये लोग घर से भी हम खाना लाए थे और यहाँ पे चाउमीन बन रही है वो भी। और आप देख सकते हैं जहाँ पे हम रुके हैं धनोल्टी से पहले ही पड़ता है और स्नो देख सकते हैं आप किस तरीके से है, आप देख सकते हैं। अभी हम चलेंगे नीचे भी आपको दिखाएंगे। फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पे एक जन्नत सा नजारा, स्नो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में। फ्रेंड्स, यहाँ पे डर भी है थोड़ा सा स्लिप होने का क्योंकि बर्फ है ये एकदम से ठोस हो चुकी है क्योंकि काफी स्नो के कारण। कैसा लग रहा है आप लोगों को? फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने यहाँ पे जा रहे हैं, एक पॉइंट बना हुआ है, काफी स्नो है यहाँ पे, कैंप भी देख सकते हैं आप।
यहाँ पे, तो स्लिप काफ़ी हो रहा है यहाँ पे क्योंकि जो बर्फ़ है काफ़ी जम चुकी है, लोग चल रहे हैं यहाँ पे तो इसलिए स्किड कर रहे हैं। और देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा। चलो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है धनोल्टी में, यहाँ पे आप रुक सकते हैं, कैंप बने हुए देख सकते हैं और सभी लोग आ रहे हैं। आ जाओ सब लोग आराम से आओ, आराम से आओ, बहुत अच्छी जगह है। आप लोग बहुत ही सुंदर। कोबराल जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो काफी स्नो है ना, काफी स्नो हो रखी है यहाँ पे और आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारे। ये मेरे पास कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा, थोड़ी फिसलन हो रही है बर्फ की पर लग बहुत अच्छा रहा है। कितनी बर्फ है? बहुत सारी बर्फ है, पूरे चेहरे पे पूरी बर्फ ही बर्फ जम गई है। अच्छा ठंड ज्यादा है बहुत। ये देखिए यहाँ पे बच्चे फोटो खिंचवाने के लिए है, देख सकते हैं वैसे चलेगा नहीं। खड़े हो जाओ सारे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम धनोल्टी आए हैं और बाइक से आए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और ठंड बहुत है। आप कभी भी अगर आ रहे हैं तो इस बाइक से ना आए क्योंकि ये एक ही जगह रहती है, आगे नहीं जाती है। तो आप देख सकते हैं काफी मजे हम कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ही ठंड है। आप लोग भी अगर उत्तराखंड में इसी प्रकार स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें दोस्तों, हम आपको लेके आएंगे। धनोल्टी है, ओली है, चोपता है, काफी भारी मात्रा में बर्फबारी यहाँ पे गिरी है दोस्तों। आप लोग आए हम आपको टैक्सी प्रोवाइड कराएंगे और आपको लेके चलेंगे जहाँ भी आपको अच्छी मात्रा में बर्फ देखने को मिलेगी। ओली चोपता में दोस्तों इस समय बहुत ज्यादा बर्फ है, ये तो धनोल्टी है लेकिन ओली चोपता में इस समय काफी बर्फ है। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो जल्दी बनाएं और हमसे संपर्क करें, नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करें, हम आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे स्नोफॉल। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया है धनोल्टी में, काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पे हमारे को देखने को मिली है और हमारा आना भी यहाँ पे एकदम से सफल रहा है क्योंकि बच्चे लोग कह रहे थे कि हमारे को स्नो देखनी है। तो स्नो कैसा, अच्छी स्नो मिल गई ना यहाँ पे? बहुत अच्छी स्नो। हाँ तो देख सकते हैं सब लोग खुश हैं, काफ़ी इंजॉय किया है दोस्तों। तो बस अब हम यहाँ पे इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और क्योंकि हम टाइम हो रहा है अब टाइम से निकलेंगे क्योंकि ठंड भी काफ़ी हो गई है। तो यहीं पे हम इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे उत्तराखंड के हम ब्लॉग आपके लिए लेके आते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।